नागपुर के डागा सरकारी महिला अस्पताल के प्रतीक्षा हॉल में गर्भवती महिला प्रसूति के लिए 1.5 घंटे तक तड़पती रही और आखिरकार उसने हॉल परिसर में ही मृत शिशु को जन्म दिया। इस मामले में इस महिला के परिजनों ने डागा अस्पताल के डॉक्टरों और नर्स की लापरवाही के कारण नवजात बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वाड़ी निवासी 27 वर्षीय रानी वासनिक नामक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए कन्हान स्थित अपने मायके में रहने आई थी। रविवार रात उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने के कारण उसके परिजन उसे कन्हान के अस्पताल में लेकर गए और वहां पर प्राथमिक जांच के बाद उसे कामठी के सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी गई। कामठी के अस्पताल जाने पर डागा अस्पताल का कार्ड होने से उन्हें तत्काल प्रसूति के लिए वहाँ जाने की सलाह दी गई। वासनिक परिवार का आरोप है कि डागा अस्पताल में आने के बाद भी रानी वासनिक को तीव्र प्रसव पीड़ा हो रही थी, बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 1.5 घंटे तक बैठाए रखा और उसे वार्ड में भर्ती नहीं किया। काकू त्यांनी भी म्हटलं की ताई तिला ब्लडिंग चाललंय, तिला बेडवर घ्या किंवा अंदर घ्या, तरी त्या सिस्टरने तिला घेतलं नाही आणि बाहेर हकालून दिलं। तुम्हाला काय समजते? आम्हाला माहित आहे आम्हाला केव्हा अंदर घ्यायचे आहे बा म्हणून। सरांनाही विचार म्हणजे सर तिथं होतेच नाही, फक्त एक सिस्टर होती आणि एक मावशी होती। मग त्याच्यानंतर आणखी जास्त त्रास वाढला तिचावाला, तर मग त्याच्या तिने स्वतः गेली ते सिस्टरकडे, तर सिस्टरने म्हटलं तिला की तुम्ही बाहेर थांबा मी बोलवते। आणि जशी ते बाहेर आली तिची बाहेरच डिलिव्हरी झाली आणि बाळ खाली पडलं आणि तो मृत्यूमुखी पडला। 6 वाजतापासून त्रास होता, तर तुम्ही का झोपून होत्या का आतापर्यंत? तुम्ही आतमध्ये नाही घेतलं? आम्ही म्हणत होतो की घ्या तरी, थोडंसं तरी बघा तरी, तरी त्या म्हणत होत्या की नाही आम्ही बिलकुल हात लावत नाही। त्याच्या नंतर म्हणते पोरगी आपलं बाळ येऊन भी गेलं तरी पण ती म्हणत होती की नाही वेळ आहे वेळ आहे असंच म्हटलं ना, त्यांनी हात म्हणजे आतमध्ये घेतलंच नाही सर। रात को 12 बजे के करीब वेटिंग रूम में ही जमीन पर रानी की प्रसूति हो गई। हालांकि उसके बच्चे की इस प्रसूति के दौरान ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का वासनिक परिवार ने वीडियो शूट किया और उसके सामने आने के बाद मौन बैठा अस्पताल प्रशासन सामने आया अपनी सफाई देने। सिस्टरांनी तिला लगेच घेतलं आणि सिस्टरांनी तिला घेतलं डिलिव्हरीला आणि त्यांनी प्रसंगावधान साधून तिची डिलिव्हरी केली डॉक्टर आणि सिस्टरांनी। आणि त्याच वेळेला रुग्णांच्या नातेवाईकांनी व्हिडिओ काढला, जे की बाळ उपजतच पोटातच जाण्याची जास्त शक्यता होती। जसं बाळ बाहेर आलं तर बाळ हे पिवळं पडलेलं होतं, पेल होतं बाळ आणि त्याची नाळ पूर्ण पिवळी होती, बाळाने पोटातच संडास केलेली होती। म्हणजे साधारणतः 2-3 तासाआधीच बाळाचा मृत असणार आहे ते पोटातच। आणि जसं डिलिव्हर झालं तसं आपण बालरोग तज्ज्ञांना दाखवलं, त्यांनी पण रिसुसिटेशन केलं की बा काही असेल तर आपल्याला बघता येईल, परंतु बाळ आधीच गेलेलं होतं। डागा अस्पताल की स्वास्थ्य अधीक्षक सीमा पारवेकर के अनुसार बच्चे की नाल नीचे की ओर होने की वजह से प्रसूति में दिक्कतें थी और जब जमीन पर ही डिलीवरी हुई तब बच्चा मृत पैदा हुआ। कि हस्बंड ने तिची वीडियो काढला आहे आणि तो व्हायरल करत आहे आणि धमक्या देत आहे प्रशासनाला किंवा सिस्टरांना, तर हे बरोबर नाही आहे। जर त्यांना तिथे पण कामठीला पण व्यवस्थित सांगण्यात आलं असतं की बा बाळ दगावण्याची शक्यता आहे तर त्यांनी तसा अप्रोच केला नसता, तर हे एकदम चुकीचं आहे। तरीसुद्धा आपण चौकशी समिती नेमलेली आहे, कालच्या काल आपण चौकशी समिती नेमली आणि त्यानुसार चौकशी आपण सुरू केलेली आहे। धन्यवाद। हालांकि इस मामले की शिकायत तहसील पुलिस से की गई है जिसकी आगे की जांच अब पुलिस कर रही है। डिलीवरी हुई उसमें वो जो बालक था वो मृत अवस्था में आया है, इस मुताबिक पुलिस स्टेशन तहसील में अकस्मात मृत्यु क्रमांक 48/21 कलम 174 CRPC से मुकाल दर्ज किया PSI प्रशांत राठौर ने और सदर का इन्वेस्टिगेशन WPSI भाग्यश्री पुरिया कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में स्पॉट पंचनामा और इनकेस्ट पंचनामा हुआ है और आगे की जांच चालू है। हाँ, दूसरे दिन 7 तारीख को वहाँ के सिस्टर ने तकरार दी है कि उन्होंने शासकीय काम में इंटरफेयर किया है,
तो तकरार मेो डागा प्रशासन से संबंधित है, इसलिए वो उनके सुप्रिंटेंडेंट के पास भेजी जाएंगी, उसका वेरिफिकेशन होकर जो सुप्रिंटेंडेंट का रिपोर्ट आएंगे उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी फेसी जो डॉक्टर वहाँ के RMO है, लेडी गायनोलॉजिस्ट, उन्होंने रिपोर्ट स्टिल बर्थ सर्टिफिकेट दिया जिसमें नमूद किया है कि मृतावस्थित बालक मिला लेला है, तो आगे का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस घटना में दोष किसका है ये तो जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अस्पताल में सब व्यवस्था होते हुए भी एक नवजात दुनिया नहीं देख पाया। कैमरामैन मिथुन आदमनी के साथ करण ठाकुर, UC News, नागपुर।